सभी किसान भाई बहनों को मेरा नमस्कार। मैं ओम प्रकाश तिवारी हूं। बलरामपुर जिले के रेहरा बाजार विकास खंड में स्पेस संस्था द्वारा संचालित फसल परियोजना में परियोजना समन्वयक के रूप में कार्य कर रहा हूं। 2012 में हमने यहां पर देखा कि किसान धान गेहूं की खेती करते हैं, लेकिन दलहनी फसल की खेती नहीं करते हैं, जिसके लिए हमने किसानों से चर्चा शुरू किया। तो किसानों ने बताया कि अरहर की खेती पहले बहुत होती थी इस एरिया में, लेकिन कीट प्रबंधन ना होने के कारण हमको पर्याप्त मात्रा में उपज नहीं मिल पाता था, जिसलिए हम लोगों ने अरहर की खेती अब करना बंद कर दिया है। अरहर की खेती को बढ़ावा देने के लिए हम लोगों ने पहले साल 24 किसानों का चयन किया तथा पानी संस्थान के निर्देशन में उनको सघनीकरण विधि से अरहर की खेती करने के लिए प्रशिक्षित किया। प्रशिक्षण प्राप्त करके किसानों ने अपने 7 एकड़ जमीन में अरहर की खेती किया तथा उसका बताए गए विधि के अनुसार अच्छी तरीके से देखभाल किया। जब उनकी क्रॉप कटिंग कराई गई तथा फाइनल हार्वेस्टिंग हुआ, तो उसमें किसान का जहां 1 एकड़ में परंपरागत विधि से खेती करने पर 2.5 से 3 क्विंटल उपज प्राप्त होता था, वहीं पर सघनीकरण विधि से खेती करने पर उपज 8 से 10 क्विंटल होने लगा। आज की स्थिति यह है कि जहां पर किसान बिल्कुल अरहर की खेती नहीं करते थे, वहां रेहरा बाजार के इन 10 ग्राम पंचायतों में 700 से अधिक किसानों ने अपने 200 एकड़ जमीन में अरहर की खेती की हुई है। अरहर की अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए हम लोगों ने कुछ प्रक्रियाएं अपनाई। सबसे पहली प्रक्रिया होती है बीज चयन का। बीज चयन में हम लोगों ने नरेंद्र वन प्रजाति का बीज लिया तथा जहां पर परंपरागत विधि से खेती करने में किसान 1 एकड़ में 5 किलो बीज का इस्तेमाल करते हैं, वहीं पर हम लोगों ने मात्र 500 ग्राम बीज में 1 एकड़ खेत की बुआई करवाई। दूसरी प्रक्रिया हम लोगों ने बीज शोधन की अपनाई। बीज शोधन के तहत हम लोगों ने अरहर के बीज को ट्राइकोडर्मा एवं राइजोबियम कल्चर के साथ में बीज शोधन करवाया। तीसरी प्रक्रिया के तहत हम लोगों ने अरहर की बुआई मेढ़ तथा पिंडी पर करवाई। मेढ़ और पिंडी पर करवाने से एक फायदा यह है कि जहां किसान परंपरागत विधि में खेती करता है तो अरहर की फसल बारिश के कारण नष्ट हो जाती है, वहीं पर जब मेढ़ और पिंडी पे अरहर की बुआई करते हैं तो बारिश से वह फसल नुकसान नहीं होता है। तो हम लोगों ने अरहर की खेती में 2 प्रक्रियाएं, स्पेसिंग की 2 प्रक्रियाएं अपनाई। पहली प्रक्रिया में हम लोगों ने स्पेसिंग 1:1 मीटर रखा। जैसे आप देख सकते हैं इस प्लाट में 1:1 मीटर की स्पेसिंग रखी गई है। 1:1 मीटर से स्पेसिंग रखने से फायदा यह है कि सूर्य की रोशनी और हवा बराबर पौधे को मिलती रहती है, जिससे पौधे का बढ़वार बढ़िया होता है। दूसरी प्रक्रिया में हम 2:1 मीटर पर अरहर की बुआई करवाते हैं। 2:1 मीटर की अरहर के बीच में हम लोग एक सहफसली खेती कर लेते हैं। सहफसली खेती करने से धान का एक अतिरिक्त लाभ हो जाता है। चौथी प्रक्रिया में हम लोगों ने निपिंग को अपनाया। जब बुआई के बाद में पौधा 1 महीने का हो गया तो हम लोगों ने उसकी कटिंग करवा दी। दूसरी निपिंग हम लोगों ने जब पौधा 75 दिन का हुआ तब करवाई। निपिंग करवाने से फायदा यह है कि आप देख सकते हैं जब पौधा 1 महीने का हुआ तो यहाँ से निपिंग करवाया गया। निपिंग में उसकी फुनकी हम लोग कैंची से काट देते हैं। ये काटने के बाद में ये आप देख रहे होंगे कल्लों की संख्या इसमें बढ़ जाती है। पांचवी प्रक्रिया हम लोगों ने कीट प्रबंधन का अपनाया। जब पहली बार अरहर में फूल आता है तब से लेकर के फली बनने तक हर 10 दिन के अंतराल पर हमने इसमें निमाइल का स्प्रे करवाया। ये पांचों प्रक्रियाएं अपनाने के बाद में हम प्रति एकड़ 8 से 10 क्विंटल की उपज अरहर से प्राप्त करते हैं। अब आइए हम आपको अपने कुछ किसानों से मिलवा रहे हैं जिन्होंने ये प्रक्रियाएं अपनाई। आप उनसे मिल करके खुद जाने कि उन्होंने क्या क्या प्रक्रियाएं की, कैसे उनका उपज बढ़ा। हमारा नाम अशोक कुमार वर्मा है। हम किशनपुर रेहरा बाजार बलरामपुर के निवासी हैं। पहले हम छिटुआ अरहर बो रहे हैं फसल परियोजना वाले के तकनीक से। अब की बार 1.5 बीघा अरहर मेढ़ी पे 1-1 मीटर की दूरी पर बोए हैं। पहले हम बीज शोधन किए हैं ट्राइकोडर्मा और राइजोबियम कल्चर से। पहले मेढ़ बनाए उसके बाद में 2-2 बीघा 1-1 मीटर पर बोए दिए। बोए के 45 दिन बाद और 75 दिन बाद पौधा के फूल की कटाई की हैं। उससे हमें कल्ला पौधे में बहुत ज़्यादा निकला। जब हमारे अरहर में फूल लग गए तो हमने माइल के छिड़काव 10-10 दिन के अंतराल पर जब तक फली नहीं बना जब तक किए हैं। हमारे फसल में कीड़ा नहीं लगा। ये विधि से खेती करने में हमारा बिया कम लगा और बीज शोधन से जमाव अच्छा हुआ और फंगी कटाई से कल्ला इसमें अच्छा हुआ। जैसे कि हमें लागत है कि पैदावार अब से बढ़िया मिली। जो हमें बोर है पहले छिटुआ से उसे अब से बेहतर पैदावार की उम्मीद है। फसल बहुत बढ़िया है और उम्मीद है कि 1.5 बीघा में 2.5-3 क्विंटल अरहर पैदा हो। ये प्रकार की खेती से हम बहुत खुश हैं और अगले बार भी यही प्रकार की खेती हम करें। किसान भाइयों नमस्ते। हम गुलालपुर में रहते हैं। हमारा श्री राम नाम है। हमने 125 ग्राम बिया लाया था। उपचार करवाया उसके बाद उसके 1-1 मीटर के दूर पर पिंडी बनवा करके बुआई करवा दिया। हमने 45 दिन पर उसको उसकी पुलुई काटा। उसके बाद 75 दिन पर उसका
उसका कलम किया तो उनको कल्ला बढ़िया बढ़िया निकल रहा था। जब फूल आवे लागे ओकरे बाद फिर जो उसका नीम का तेल जोन है 10 दिन के बाद माँ छिड़काई करते हैं, जब तक फल नहीं लागे जब तक जोन है छिड़काई करे ना। हमारी अलहरी अभी तो पीटी गए नहीं है, फिर जे ओकरे बाद पैदा वैदा हुए तो देखा जे 1 बीघा खेते में हमार उम्मीद है कि 3 क्विंटल अलहर निकलनी चाहिए। हम किसान भाइयों से ये कहना चाहते हैं कि हमने जो बोए थे अलहरी, सब किसान भाइयों यही तरीका से बोए तो बीज कम लागे और बढ़िया अच्छा पैदावार हो जाए। किसान बहन भाइयों, हमारा नाम सिद्धा प्रसाद सिंह है, ग्राम पोस्ट मोहली, जिला फैजाबाद, ब्लॉक सुहावर। किसान भाइयों, पहले हम अरहर की खेती छिटकवा विधि से करते थे जिसमें कम लाभ मिलता था और उकठा रोग ज्यादा लगता था। फसल परियोजना के तहत अब की ला करके हमारे गांव में अरहर की खेती लाइन द्वारा करवाए, धुआं लगवा करके और 2 बार कटिंग करवाए निपिंग, जिससे कल्ले काफी निकले हैं और अरहर की पैदावार अच्छी हुई। लगभग बीघे में 2.5 क्विंटल के लगभग हुई है। थोड़ी अरहर हमारी पिछड़ गई थी, 2-2 बीज बोआए थे, इस प्रक्रिया से अच्छी पैदावार मिलती है। किसान बहनों भाइयों, अरहर की खेती तो आप परंपरागत हमेशा करते आए हैं, लेकिन जो फसल परियोजना वाले अब की बार में अरहर बोआए थे लाइन द्वारा, आप लोग भी इस लाइन विधि द्वारा 2-2 बीज बो करके फसल को अगर उपजाएंगे अच्छा लाभ पाएंगे, कम खर्च आएगा।